यहाँ पर चल रही है लखन की पैकिंग. गुड मॉर्निंग लखन. गुड मॉर्निंग. हम लोग जा रहे हैं वापस एंड हम लोग इसको मिस करेंगे बहुत ज्यादा, इस व्यू को. बट पता है क्या है, हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम हर मंथ यहाँ पर आया करेंगे. What? है लगा? ऐसे प्रॉमिस में हर जगह जारी करते हैं. हाँ ये तो यार है, मैं कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो गया मेरा. ये तो है, हम लोग प्रॉमिसेस बहुत करते हैं एक दूसरे से मगर वो हम निभा नहीं पाते हैं, है ना लगन? गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज है हमारा डे थ्री है नीतू आज. Yes. हाँ डे थ्री है आज. ये जो व्यू है ना प्राइसलेस है. थैंक गॉड इधर आइस कैपेसिनो है और मैंने तो दो दो मंगा ली. अब इनको जो लगता हो लगे. क्या करे भाई, अपनी पसंद का खाना कम मिलता है लेकिन जब भी मिलता है मैं टूट के पड़ता हूँ. गाइस देखो जो स्टाइलिश क्वीन है ना हमारे बीच, पहले तो मेरी कॉफी पेल जा रही है. तुझे कुछ नहीं मिल रहा दीदी यार? तू तो लंदन रही है, देखो तो आदत होनी चाहिए खाने पीने की. What? अरे यार मैंने ऐसे नहीं करा था इसलिए मेरी कॉफी इतनी बेकार लग रही है. नहीं तो अब वही ना, हम लंदन रहे नहीं, पता ही नहीं इंडिया से हमारे कुछ देखा ही नहीं. इधर आओ, आपके लिए शहद मैंने पहले निकाल रखा है. फिर से छोड़ा थोड़ी है वो, कल के बाद उसने लगाया भी ना. जिस तरह काटा है ना उसका बेचारा शहद पूरा. ले जाओ पेन. तुझे पता है मधुमक्खियों से लड़ लड़के मैं शहद टेढ़े लेकर आया हूँ. एक बार खा के तो देखा प्लीज यार. यार ये सब तो तू हर जगह खा लेगी. ये देखियो तेरे भाई ने इतना संघर्ष करा है. था अरे ऐसी खा जाना. छोटे से क्या होगा, खट्टा था खट्टा. नाटक क्यों कर रही है फिर? What a view, नीतू. आप लोग देखो कितना अच्छा व्यू है ये. और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट हुआ, यहीं पर नीतू जूस पी रही है, यहाँ पर ये बर्ड आके खाना खा रही है. सोने दीदी के ठीक सामने बर्ड चली गई दीदी से डर के. गाइस कितनी क्यूट सी कार है ये, पिंक कलर की ले रहे हैं. तो बहुत खुश होगी भाई, पिंक कलर की गाड़ी. बैठो बैठो बैठो, आओ आप भी आओ भाई. तो फ्रेंड्स हम थे वापस एयरपोर्ट की तरफ और बीच में हमें दिखा ये है टाइगर, क्या नाम है इसका पूरा, टाइगर मुथ है. और यहाँ पर बॉक्सिंग ट्रेनिंग होती है और इस जगह ने न जाने कितने सारे बॉक्सर्स दिए हैं वर्ल्ड को. तो आज हम देखने जाएंगे क्या है यहाँ पे खास. ये जो आप देख रहे हो ना ये सारे बॉक्सर्स हैं जो यहाँ से निकले इस एकेडमी से. पहचान गया, डर रहा है भाई. क्या प्लान बन रहा है, क्या प्लान? क्या क्या नहीं तो क्या पाई के साथ ही रहोगे क्योंकि पाई पूरा रास्ता हंसाते जाते हैं इसलिए. चिड़चिड़ी सी बोल लो जो ये भी काम नहीं कर रही. नहीं सही है, पता कितने बजे जाओ कितने बजे आना. ये तो बस सोने सो जा रहा है, उठे काम की ये लड़की नहीं है जो तुम कह रहे हो ना. सच में वैसे तो बुलाओ बुलाओ उठ जाएगी तैयार हो जाएगी चल जाएगी. इसका बाकी लोड नहीं है, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली. ये यहाँ पर एसेसरी शॉप है, बच्चे भी करते हैं. क्या सोनी दीदी के लिए देखो, छोटे छोटे बच्चों के लिए. सोनी दीदी तो इतनी है, हाइट देख ज्यादा फर्क नहीं है. यहाँ से हम लेने आए टी शर्ट्स. तो दीदी आपके ऊपर ये बहुत अच्छी लगी मुझे लग रहा है. कितना अच्छा लग रहा है ना यार ये सब देखना, कितने हार्ड वर्किंग है ये लोग. दोस्तों आप आवाज़ सुनो, वाओ. ये यहाँ के राइजिंग स्टार्स जिन्होंने बहुत नाम रोशन किया इस एकेडमी का. जो हम फाइट्स देखते हैं टीवी पर, UFC हो या दूसरी बॉक्सिंग फाइट्स हो, जो कुछ घंटों की और कुछ मिनटों की फाइट्स होती है ना उसके पीछे ये पूरी इनकी ज़िंदगी लग जाती है मेहनत करते करते. बहुत अच्छा लग रहा है देख के सब. ये है MMA ट्रेनिंग और ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ना इसमें फाइट तब तक होती जब तक सामने वाला गिव अप ना कर दे. कितना सुंदर लग रहा है. अब टाइम आ गया है वापसी का, अपनी पिंक वैन में मुझे दिए सीट सबसे लास्ट वाली. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. एयरपोर्ट आ गया गाइस, उठ जाओ सब. वैसे मेरे सिवा कुछ सोया नहीं है पर फिर भी एक्टिंग करनी पड़ेगी. लास्ट टाइम एयरपोर्ट पे इतनी ठंड लगी कि हम लोग सब गर्म कपड़े पहनकर आ गए और देखो आज कितनी गर्मी है. बहन तो पिछली बार की वैसे आई होगी ना सब पहन के, गर्मी लगी आज. भगवान मजाक कर रहे हैं हमारे साथ. बम्मू पूरे ट्रिप पे सबसे टेंशन फ्री कौन है? कैसे कोई लेना देना नहीं, कोई जिम में सारे अरेंजमेंट क्या हो रहे हैं पाई वाले कुछ ना है ना भाई. हाँ नीतू एक बात तो होता, तुझे बस शाम को पता चल जाती है कि सुबह इतने बजे उठना उतने बजे उठ जाएगी. कोई तुझे जिम्मेदारी क्यों नहीं दे रहा मुझे बता तू. सोने दीदी काफी है जिम्मेदारी के लिए. मैंने एक बात यार मुझे तेरे पे यकीन नहीं था. दोस्तों मैं अपनी तारीफ नहीं करता लेकिन मैं भी बहुत जिम्मेदार हूँ
घर में जितने भी गलत काम होते हैं उन सब के लिए जिम्मेदार मैं ही होता हूँ। कुछ गड़बड़ होती है उसके लिए भी जिम्मेदार आपका भाई होता है, टेंशन मत लो, मैं भी बहुत जिम्मेदार आदमी हूँ। नीतू देख भाई, पाई को गुस्सा करूँगा, ठीक है? पाई 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 भाई, मेरे बैग में पावर बैंक है, पावर बैंक मेरे बैग में। अभी भी एक घंटा हमारी फ्लाइट को टाइम से आ गए हम लोग, और यहाँ पर है 50 बात में 15 मिनट मसाज, तो जो कि पाई लेने वाले हैं। पाई एंजॉय करो आप, ठीक है? सारा चिल्लर इधर ही खत्म कर दिया, पूरा पेमेंट चिल्लरों में करा है, ज्यादा हो जाएंगे यार। 3% लाइक तो इधर हो गए भाई, बहुत दिमाग लगाती हूँ मम्मी आप, नेक्स्ट लेवल हो गया। क्या कर रही थी? 8 टोटल 8। सुनो, यहाँ पर ना जितनी भी चिल्लर बच रही है, मॉम कह रही है मैं यहाँ पर टिप देके जाऊंगी, अपने पास नहीं रखूंगी, देके चले जाऊंगी। दीदी क्या हुआ, तेरे पैर ही नहीं आ रहे? कितनी छोटी सी यार तू, देखो ये सीट पर बैठती है तो दीदी को बैठी हो, बैठी बहन अभी सीट पर बैठी है बहन। यार बहुत जालिम दुनिया यार, छोटी हाइट वालों के लिए भी कुछ बनाना चाहिए। अभी शॉर्ट बना रही थी जिसमें माँ बाप की सेवा करती दिख रही थी, अब सच में कर दे, अब सच में सेवा कर ले। ज्यादा स्मार्ट बन गई मैं, मतलब मेरे साथ क्या हो गया? अब चलो ऐसे ही। भाई की आदत क्या है, भाई अपना कभी बैग देते नहीं है और हमेशा हाथ में लेके चलते हैं, खुद में लेके चलते हैं। हम दोनों साथ में बैठे हैं, मैं दोबारा से दोनों सेलिब्रिटीज के पास बैठा हूँ, और क्योंकि मुझे थंबनेल की पिक लेनी है ताकि व्यूज आ जाए। दीदी हमारा थंबनेल मटेरियल, अनीत हमारा कंटेंट मटेरियल। हम लोग दोबारा पहुँच गए हैं बैंकॉक में, और यहाँ पर हम सिर्फ करेंगे शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। पाई देखो, पाई बिल्कुल ठीक सोनी दीदी के सामने बैठे हैं। क्या सोनी दीदी यार बैठ बैठ के पता नहीं कैसे सो जाती हैं, ऐसे ही सो जाती हैं, मुझसे तो ऐसे नहीं सो जाता। मेरे पैर सोनी दीदी के पास थे और मेरे जो फेस था वो लगन के पास था, मैं तो ऐसे सोती हूँ। बैंकॉक में हमारा बैग ना मिस हो जाए इसलिए पाई सबके बैग पहले ही चेक कर रहे हैं, पाई ने सब चेक कर लिया। और पता क्या है, मॉम का बैग आया नहीं था, मैं मॉम को मॉम चलो मॉम मतलब मेरा ही बैग मिस करवा रही है, क्या कह रही है मॉम आगे सारे बैग, मेरा ही बैग बेल्ट पे था, मेरा तो आने दे। और ये देखो हमारे बैग्स कितने सारे हैं। तो क्या बोलना चाहोगे आप दोनों इन बैग्स के लिए? नीतू और लकड़ी सबसे ज्यादा सामान लाया है। नहीं भाई 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 गुस्सा है हमसे थोड़ा, शिट भाई सॉरी सॉरी भाई। पाई का फोन गिर गया था और मॉम कह रही है उस टाइम पाई का अर्जेंट एक कॉल आ गई थी, अब मॉम ने बोला मेरी तो हरकतें ही बहुत अजीब है यार। देखो देखो मॉम बोलने वाली है, देखो देखो मॉम बता रही है कि फोन गिर गया था, पाई को याद ही नहीं है। देखो अब याद आ गया पाई को। हम सब यहाँ पर कैब का वेट कर रहे हैं, सोनी दीदी को देखो कहाँ बैठी है, लगन सुनी दीदी को मतलब ही नहीं है, देखो पता ही नहीं उनको कि कैब आ गई। मॉम हमारी आ गई है यहाँ पर बस, इसको क्या बोलते हैं, कैब, ओके मिनी कैब आ गई, मिनी बस जो भी बोल सकते हैं। और ये ज्यादा बड़ी है यार, इसको देखा जाए दिखती कैसे है अंदर से, यार ये काफी ज्यादा बड़ी है। लगन हम सबसे पीछे चल रहे हैं, लगन आप तो आगे क्यों बैठना चाहते हो, जब बड़ी है तो चलो सुनी दीदी आ जाओ। ये बड़ी तो है बस, और ये इतनी कम्फर्टेबल है, इसकी सीट इतनी अच्छी है, कुशन बहुत अच्छा है, तो नहीं अच्छी लगी आपको? इरिटेट आप करती हो सबको, समझो उधर जाके बैठी हुई, ये नहीं होता कि बस आ चुकी हमारी। लक्सू हम पहुंच गए हैं अपने दूसरे होटल, आई मीन बैंकॉक के होटल में, और अपना रिसेप्शन बहुत अंदर है, ऊपर जाके रिसेप्शन है। लक्सू हाय लखन, हाय। और रूम कुछ ऐसे मिले हमको सब चारों को एक साथ, क्या हुआ मॉम? मॉम क्या, चलो गाइस अब चल रहे हैं हम अंदर, अपना रूम टूर दिखाएंगे आपको। इग्नोर दैट लेडी। सो ये है हमारा रूम, ओ माय गॉड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये कौन सा एरिया है, ये लाइट्स, ओके तो ये है जो भी एरिया बोलते हैं इसको, ये कौन सा एरिया होता है, ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग एरिया, तो ये है ड्रेसिंग एरिया। एंड ये है वॉशरूम, ये है वॉशरूम। मैं मिला रही हूँ अपनी मम्मी को कॉल, और हमेशा की तरह मम्मी बहुत ही लेट फोन उठाती है, अगर मम्मी ने एक मिनट पहले कॉल किया होगा, मैंने फिर एक मिनट के बाद कॉल बैक किया होगा तो ओ उठा लिया। हाय मॉम कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? सुबह से अभी टाइम लगा।
आज मैंने मम्मी से बात नहीं करी और मम्मी मुझ पर गुस्सा कर रही है।